डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। टुडे डिस्कस अबाउट पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी, जीआईसी बायोलॉजी, नीट बायोलॉजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगराइज इज। तो यहाँ पर पहले का तीसरा हो जाएगा। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइबर, जीनस, स्पीसीज। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय क्यूबर। बैक्टीरिया, लॉग, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बिकॉज देयर इज नाइदर सिनगेमी नाइदर रिडक्शन डिवीजन। ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेटेड ऑफ CO2 पोल्यूशन इन एयर ऑफ लाइकेन। द प्लांट ग्रुप दैट कनेक्ट प्रोड्यूस स्पोर्स एंड ब्रायोफाइट ब्रायो एम्ब्रियो बट लॉक वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड इज ब्रायोफाइटा। Which one is following is not common between the Fanaria and Sinagnella root? A plant having seed but lacking a flower and fruit belong to gymnosperm. A plant in which sporophyte generation is represented by, यहाँ पर जो तीसरा रेसिन एंड टर्पाइन आर ऑब्टेन्ड बाय पाइनस। इन पाइनस द पोलन ग्रेन हैज सिक्स क्रोमोसोम देन एंडोस्पर्म विल बी सिक्स क्रोमोसोम। टर्पाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यहाँ पर हो जाएगा पर जो है जिम्नोस्पर्म बोर्ड। द सिम्पलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा इज एस्कैन टाइप। एस्केरिस लार्वा इज कॉल्ड रेप्टिफॉर्म लार्वा। व्हाट इज करेक्ट अबाउट टीनिया। तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा, मैच्योर प्रोलेटेड कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। आई ऑफ द मोलस्कन ग्रुप दैट रिसेंबल वर्टिब्रेट आई इज सिफेलोपोडा। अडल्ट क्लेक्स एंड एनाफिलीज कैन बी डिस्टिंग गुइज विद हेल्प ऑफ। तो यहाँ पर हो जाएगा सिटिंग पोस्चर। अलस्टोटिलस लांटेन अगर इन क्लास ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा इकाइनोआडिया। स्टारफिश बिलोंग टू एट्रोआडिया। तीसरा वो दूसरा। साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड इज कॉल्ड अ सिरिक्स। एन एग लाइंग मामल इज पेरी प्लेटिपस। बुलफ्रॉग ऑफ इंडियन इज सेल्वेटिका। जर्मिनेशन ऑफ सीड बिटवीन फ्रूट इज का बीबी पेरी। ओबी पेरी इज द सीड जर्मिनेशन सीड जनरेशन इंटर द फ्रूट बाय अटैच द प्लांट। ए बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल इज करेक्टराइज्ड बाय द जाइलम बीइंग सैंडविच बिटवीन फ्लोएम। ए पेरीप्लेटा अमेरिकाना नेचुरल ओमनीवेरस हाउस होल्ड पेस्ट। तो ये जो है इसका क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। बोथ आर एंड ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट कम एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हाई रिफ्लेक्शन पावर दिस इज ड्यू टू वेरी लो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन बीम। सत्ताईस का हो जाएगा 0.0001
वन वर्ग स्क्वायर मीटर। एक्सपेरिमेंट ऑन द एस्टेबिलिट एरिया बाई हैमर लैंडिंग फॉरवर्ड बाई रोल अप। 28 का यहाँ पर हो जाएगा पहला, यानी इन न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। राइबोसोम आर द सेंटर फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस। प्लाटिड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन, पहला हो जाएगा ये स्टोर एंड फ्रॉम अदर, यहाँ पर 30 का पहला हो जाएगा गेट ट्रांसफर फॉर्म वन टाइप टू अनदर टाइप। ऑक्सीसोम ऑफ एफ जीरो माइनस एफ वन पार्टिकल अकर ऑन इनर माइटोकांड्रिया मेम्ब्रेन। विच वन इज अपरोटो अपेरो टो रेटिकुलर, रेटिकुलर इज, तो यहाँ पर 32 का हो जाएगा, 32 का दूसरा गॉल्जी अपर्चर। अन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट कवर, तो यहाँ पर न्यूक्लियस 33 का दूसरा। लिविंग सेल कंटेन 70-60-60-75 वाटर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी जी, यहाँ पर 65-70%। अमीनो एसिड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कीटो एसिड। विच इज डिस्ट्रीब्यूट मोर वाइडली इट इन सेल आरएनए। एडिनिन इज प्यूरिन बेस। नंबर ऑफ क्रोमेटिड एंड मेटाफेज इज, तो यहाँ पर 38 का हो जाएगा दूसरा। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि जिससे टाइम की बचत भी और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकें। क्यूटेशन इज मेनली ड्यू टू रूट प्रेशर दूसरा। वाटर मूवमेंट बिटवीन द सेल ड्यू टू यहाँ पर तीसरा हो गया डिफिक्ट प्रेशर डिफ्यूज डिफिशेंटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटरमिनेशन द रेट ऑफ ट्रांसफरेशन इज प्लांट। 41 का यहाँ पर हो जाएगा पहला प्रोटोमीटर। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर, दूसरा हो जाएगा हमारा स्टोमेटल ओपनिंग। इन इंटरस्टिशियल हैबिट टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ट्रांसपिरेशन। इन गॉट सेल्स व्हेन सुगर इज कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च स्टोमेटा पोर क्लोजली क्लोज कंप्लीटली। At constant temperature the rate of transpiration will be higher, यहाँ पर 1.5 किलोमीटर अबव सेल लेवल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूट्रिएंट्स असली अकर इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा सुक्रोज। 46 का यहाँ पर चौथा सुक्रोज। व टेम्परेचर ऑफ अबव 35 सेल्सियस, तो यहाँ पर पहला इसका दूसरा हो जाएगा द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिक्लाइन एयर लाइट दैट ऑफ रेस्पिरेशन, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लोरोफिल इज अकरिंग, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑर्थोट्रोपस। All type of platelet possess essentially the same structure because they, यहाँ पर 49 का हो जाएगा चौथा, can transfer from one form to another। Photosynthesis second occurring, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टोमा।
बस ग्रे ना, यहाँ पर ग्रे ना हो जाएगा। 50 का तीसरा, द एंजाइम दैट कैटालाइज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्शन C4 प्लांट्स एज, यहाँ पर 51 का हो जाएगा पहला ही पैप कार्बोक्सिलेज। फॉर्मेशन ऑफ ATP इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज अन ऑक्सीडेशन प्रोसेस विच यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम, 52 का यहाँ पर हो जाएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर, तो यहाँ पर 53 का हो जाएगा तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। बैन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन चेंज इट चेंज, यहाँ पर 45 का हो जाएगा यहाँ पर तीसरा 30 ADP मॉलिक्यूल इनटू द 30 ATP मॉलिक्यूल्स। टर्मिनल का साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेशन चैन विच डोनेटेड इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, यहाँ पर हो जाएगा चौथा 55 का चौथा हो जाएगा यहाँ पर 55 का यहाँ पर हो जाएगा 55 का यहाँ पर चौथा ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पर पहला हो जाएगा NADPH इन फॉस्फोसिंथेसिस। अपर्चस टू मेजर रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड RQ इज, यहाँ पर उसे कहते हैं रेस्पायरोमीटर, 57 का हो जाएगा यहाँ पर 57 का तीसरा। एपिकल डोमिनेंस कॉल्ड बाई, यहाँ पर एक्सिन एंड रूट टिप साइटोकाइनेसिस इज, साइटोकाइनिन क्या है तो यहाँ पर 59 तीसरा हो जाएगा हेल्प रेटाइन क्लोरोफिल। बनाना कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर राइपिंग बाई, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा डिपिंग इन एरोबिक एसिड सोल्यूशन तीसरा हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। इंसर्ट द प्लांट फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाई फोटोपेरिडियम ब्लू ए क्रिटिकल लेंथ एंड अनिटर रप्टेड लॉन्ग नाइट। फ्लावरिंग डिपेंड ऑन द कोल्ड ट्रीटमेंट इज, यहाँ पर 65 का हो जाएगा चौथा बैनलाइजेशन। ब्रूनरस ग्लैंड अकर इन, तो ब्रूनरस ग्लैंड होती हैं सब मकोसा ऑफ डुओडेनम। द जीनोटाइप ऑफ बी ग्रुप फादर ऑफ ओ ग्रुप चिल्ड इज, यहाँ पर चौथा आ जाएगा IOIV। कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंटीबॉडीज इज, यहाँ पर होगा चौथा लिम्फोसाइट। वेगस नर्व इज, तो वेगस नर्व है 10। अफेरेंट नर्व फाइबर कैरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू CNC सेरिब्रो नर्वस सिस्टम। ऑयलेंस इन फॉर्मेट फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्टोडर्म दूसरा। इरिस इज पार्ट ऑफ, तो इरिस इज पार्ट है किसका है, तो यहाँ पर 69 का हो जाएगा स्क्लेरोटिक एंड कोरोइड। अफ्रेंट नर्व फाइबर कैरीज इम्पल्स फ्रॉम, यहाँ पर 17 का हो जाएगा पहला रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेरोब्लास्टिक क्लेवेज इन डिवीजन पार्टियल आर पराइटल ब्लास्टोपोर इज,
ओपनिंग यहाँ पर है गेस्ट ऑफ सील 72 का पहला। म्यूसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिविजिंग, तो इसमें किसमें म्यूसिस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, माइक्रोस्पोरोसाइट 73 का चौथा। तो यहाँ पर इन क्रॉस बिटवीन ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी द रेशियो ऑफ एफ टू जनरेशन जीनोटाइप बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल बी कामा कैपिटल ए ए स्मॉल ए कैपिटल बी कामा ए स्मॉल स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी वुड बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1:2:2:1। तीसरा अन अलगमजिम विथ टू आइडेंटिकल एलिड इज होमोजाइगस, अन एलिड इज डोमिनेंट इट एक्सपीरियंस इन, यहाँ पर 76 का हो जाएगा दूसरा, बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। आउट ऑफ एट एस्कोस्पोर फॉर्मेड इन न्यूरोस्पोरा द अरेंजमेंट ऑफ 2A:4A:2A शोइंग, तो यहाँ पर इसमें क्या दिखाई देता है 77 का यहाँ पर होगा 77 का सेकेंड जनरेशन डिवीजन। ए चिल्ड ओ ग्रुप हैज बी ग्रुप फादर द जीनोटाइप ऑफ फादर विल बी, चौथा यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 78 का चौथा। आई वी आई ओ एंटीबॉडी बी एंटीजन ओ व्हेन ए सर्टेन कैरेक्टर इन इनहेरिटेड ओनली थ्रू फीमेल पैरेंट इट प्रोबेबली रिप्रेजेंट, 79 का यहाँ पर पहला हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ए वुमन विद टू जीन्स फॉर हीमोफीलिया एंड ए जीन फॉर कलर ब्लाइंड ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम मैरिज नॉर्मल मैन हाउ विल बी प्रोजेंसी विल बी प्रोजेंसी विल प्रोजेंसी बी यहाँ पर होगा 80 का पहला हो जाएगा 50% हीमोफीलिक कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% हीमोब्लाइक सन्स। इन ह्यूमन बीइंग 45 क्रोमोसोम सिंगल एक्स या एक्सो अबनॉर्मलिटी का आज यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम की एक करेक्टर हैं। सेग्रेशन ऑफ मेंडल फैक्टर नो लिंकेज नो क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, 82 का यहाँ पर हो जाएगा 82 का दूसरा। डाउन आई सिंड्रोम इज ड्यू टू डाउन सिंड्रोम यहाँ पर हो जाएगा चौथा, नॉन जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स चौथा। खुराना फर्स्ट डेसीफ्रेड द ट्रिपल कोडान ऑफ, तो यहाँ पर 84 का हो जाएगा चौथा, फेनाइली एनालाइन एंड मेथियोनाइन। एरिसिचिया कोलाई फुली लेबलेड विद इन 5 N इज अलाउड टू ग्रो इन 40 N मीडियम, द टू स्टैंड ऑफ DNA मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया हैव 85 का यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, डिफरेंट डेंसिटी एंड डू नॉट रिसेम्बल पैरेंट DNA। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन द स्टडी ऑफ DNA रिप्लिकेशन हैज बीन 86 का यहाँ पर हो जाएगा रेसिया कोलाई। द फट ऑर्गेनिज्म वेयर, तो यहाँ पर फट ऑर्गेनिज्म थे कौन से थे 87 का यहाँ पर हो जाएगा पहला कैमोट्रेप्सन कैमोहेटोट्रोपस। द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल मटेरियल पैरासाइट मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दैट पास द फीमेल एनोफिलीज इज, तो यहाँ पर 88
88 का दूसरा हो जाएगा सेक्सुअल साइकिल। सोइल पार्टिकल डिटरमिनाई इट्स टेक्सचर। ए फर्टिल एल्गी कल्चर सोइल अपीयर डीप कलर्ड एट द सरफेस एज कंपेयर टू सोइल 1 meter डाउन। द रीजन फॉर कलर ऑफ टॉप सोइल इज 90 का हो जाएगा 1 रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। फर्टिलिटी ऑफ सोइल मेजर्ड बाई एबिलिटी टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 91 का सपोर्ट लाइफ। तो फर्टिलिटी ऑफ सोइल वाटर मेजर्ड बाई एबिलिटी टू, यहाँ पर होल्ड वाटर होगा सपोर्ट लाइफ। यहाँ पर ये 100% तो सपोर्ट लाइफ है और 50% होल्ड वाटर, तो यहाँ पर हम होल्ड वाटर के साथ जाएंगे चौथे पर। यहाँ पर इसका चौथा ही सही होगा आंसर, चौथा ही सही होगा। मिनरल्स एंड मेटल आर, तो यहाँ पर जो है दूसरा 92 का हो जाएगा, यहाँ पर 92 का चौथा नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स। पेट्रोलियम इज ए 93, यहाँ पर 93 का हो जाएगा तीसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्स। सोइल फर्टिलिटी रूथ बाई यहाँ पर 94 का हो जाएगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर। मोट हजार्ड और मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सेप्ट इज, यहाँ पर हो जाएगा लेड सीसा। विच वन इज नॉट ए पोल्यूटेंट नॉर्मली, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर इज ए रिसोर्स, यहाँ पर होगा पहला, यहाँ पर होगा 97 का तीसरा रिन्यूएबल। रिवर वाटर डिपॉजिट एलुवियल सोइल। विच इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल बनाना फ्रूट्स, 99 का यहाँ पर हो जाएगा तीसरा एथिलाइन। ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाई प्लांट विथ, 100 का हो जाएगा यहाँ पर जिबरेलिक एसिड। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन थे जी की KVS PGT PGT बायोलॉजी TGT बायोलॉजी KVS बायोलॉजी GIC बायोलॉजी, यहाँ के जो सभी परीक्षाओं के इंक्लूड किए गए क्वेश्चन थे। अभी आपका कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करें, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।